कैसे हो दोस्तों, मार्वल के मेगा इवेंट सीक्रेट वॉर्स के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मल्टीवर्स के सभी अर्थ्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे और डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर ने मिलकर एक लाइफ राफ्ट बनाई और कुछ गिने चुने सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को बचा लिया। प्रेजेंट में स्टोरी दूसरे किसी प्लेनेट पर चल रही होती है, जहाँ पर सभी लोग डॉक्टर डूम को अपना भगवान मानते हैं। वेलेरिया डॉक्टर स्ट्रेंज को एक चीज दिखाती है जिसकी एज उस प्लेनेट से भी बहुत पुरानी है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आदमियों को भेजता है उस पर और डीप में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। डॉक्टर डूम कैप्टन ब्रायन को मौत की सजा सुनाता है और उसे शील्ड में भेज देता है। वॉल की दूसरी तरफ बहुत सारे जॉम्बीज है जो कैप्टन ब्रिटेन को खा जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर की आर्मीज को भेजता है। वहां पहुंचकर उन्हें एक स्पेसशिप मिलती है। उस स्पेसशिप में से थैनोस और उसकी आर्मी बाहर आती है और सभी थॉर्स को हराकर मार देती है। अगर आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 अब तक नहीं देखे हैं, तो पहले जल्दी से उन दोनों एपिसोड को देख लीजिए ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके। तो चलिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए एपिसोड 3 शुरू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम को बताता है कि हमारे प्लैनेट पर कोई घुस गया है हमारी परमिशन के बिना। डॉक्टर डूम बोलता है कि जो कोई भी घुसा हो, हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें वापस भगा देंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं। मैजिक से उसे पता चलता है कि ये स्पेसशिप इस प्लैनेट की नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज सभी थॉर्स को ऑर्डर देता है कि जिस किसी ने भी ये हमला किया है उसे ढूंढ के लाओ मेरे लिए जिंदा। सभी थॉर के जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि जो कोई भी शिप में छुपा है वो बाहर आ जाओ, और तभी माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन बाहर आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज माइल्स से पूछता है कि इस शिप पर तुम्हारे साथ कौन कौन था। माइल्स कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरी शिप भी नहीं है। मेरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा था और तभी अचानक मैं शिप पर आ गया। डॉक्टर स्ट्रेंज शॉक में आ जाता है और माइल्स से पूछता है, तुम्हें याद है? डॉक्टर डूम और सूजन बात कर रहे होते हैं। सूजन डॉक्टर डूम से कहती है कि उसे अपने भाई जॉनी की बहुत याद आती है। डॉक्टर डूम कहता है कि मुझे पता है, पर उसने हमारे खिलाफ बगावत की थी, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर डॉक्टर डूम ने ह्यूमन टॉर्च को उस प्लैनेट का सन बना दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज माइल्स को अपने आगामोटो के हिडन आइलैंड पर लेके आता है। उस सैंक्टम सेंटोरियम में एक और शिप पड़ी है। थॉर उस शिप को खोलता है और उसमें से अर्थ 616 के सभी हीरोज बाहर आते हैं। माइल्स पीटर पार्कर से मिलता है। कैप्टन मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि हम कहां पर हैं और यहां पर क्या हुआ। साइक्लॉप्स अपने फीनिक्स फॉर्म में बाहर आता है। मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक पैंथर इस शिप में से बाहर निकलते हैं। स्टार लॉर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि हम कहाँ पर है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि कहाँ की चिंता छोड़ो, ऐसा पूछो कि हम कब है। स्टार लॉर्ड कहता है कि अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के बाद हम शायद एक घंटे तक शिप में रहे होंगे, पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय हुए 8 साल हो गए हैं। जब सभी अर्थ डिस्ट्रॉय हुए, तब गॉड ने एक नया अर्थ बनाया सभी टूटे हुए अर्थ के टुकड़ों को ज्वाइन करके। मिस्टर फैंटास्टिक पूछता है कि ये गॉड कौन है, और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि डॉक्टर डूम। सभी शॉक में आ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे ये शिप 3 साल पहले मिली थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं इसका क्या करूं। मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि डॉक्टर डूम एक पूरे यूनिवर्स का भगवान है और तुमने इसके बारे में कुछ नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक विलन है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि बहुत ही सिंपल बात है, डॉक्टर स्ट्रेंज को भगवान खेलना बहुत ही अच्छी तरह से आता है और उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम थैनोस दूसरे सभी विलन्स को कैंप फायर करते हुए देखते हैं। मैक्सिमस कहता है कि ये बहुत ही अजीब दुनिया है,
इसका प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा है, बल्कि सन इस प्लैनेट के आसपास रिवॉल्यूशन कर रहा है। कॉर्वस ग्लेव कहता है कि हमने आज बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लिया है, पर फिर भी यहाँ पर बंजर जमीन के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। कल हमें टुकड़ों में बंटकर अलग अलग जगह पर जाना चाहिए आंसर्स को ढूंढने के लिए, पर थैमस कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर्स हमारे पास खुद ब खुद आने वाले हैं। प्रॉक्सिमा पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो थैनोस? थैनोस कहता है कि क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूँ। तो तभी हम देखते हैं कि थॉर की आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती है। सभी थॉर थैनोस और उसकी आर्मी पर हमला कर देते हैं। सैंक्टम सेंटोरियम में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सभी हीरोज को समझा रहा होता है कि दुनिया कैसे बनी। दुनिया का नाम बैटल वर्ल्ड रखा गया है, इसका भगवान डॉक्टर डूम है। फैंटास्टिक पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि बहुत साल पहले हमें पता चला कि सभी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाने वाले हैं, इसलिए हमने इस सिचुएशन में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। पर फिर हमें पता चला कि जो टाइम पर सभी अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाले हैं उससे पहले ही ये इवेंट होने वाला है। ये डिस्ट्रक्शन द बियॉन्डर्स ने कॉज की थी, इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स के पास गए और बियॉन्डर्स को मार दिया और बियॉन्डर्स की सभी पावर्स ले ली अपने लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज उतनी सारी पावर्स को देखकर डर गया, इसलिए डॉक्टर डूम ने सभी पावर्स अपने में ले ली और फिर उस पावर्स का यूज़ करके उसने सभी अर्थ के टुकड़ों को जोड़कर एक नया अर्थ बनाया, एक नया यूनिवर्स बनाया और उस यूनिवर्स का वो खुद भगवान बन गया। माइल्स पूछता है कि इसका क्या मतलब है, क्या मेरी दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो गई है? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है नहीं, पूरी तरह से नहीं, अब भी सभी वर्ल्ड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क का एक टुकड़ा, वकांडा का एक टुकड़ा। साइक्लॉप्स डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अगर हमारे पास इतनी सारी पावर है तो हमें सब कुछ डिस्ट्रॉय करके वापस नए से एक अच्छी दुनिया बनानी चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को सभी थॉर के, थैनोस और दूसरे सभी विलन्स पर किए गए हमले के बारे में पता चलता है। उनमें से एक थॉर डॉक्टर डूम के पास जाता है, उसे मैसेज देता है कि आपके प्लैनेट में ऐसी लड़ाई हो रही है और कुछ लोग बाहर से आ गए हैं। डॉक्टर डूम कहता है कि तुम्हारी आंखों से मुझे दिखाओ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। सूजन डॉक्टर डूम से कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर ये लड़ाई को रोक देनी चाहिए, और डॉक्टर डूम कहता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसी समय डॉक्टर स्ट्रेंज सभी एवेंजर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। सूजन कहती है कि बहुत सारे नए वेरिएबल्स हमारे प्लैनेट पर आ गए हैं जिसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। डॉक्टर डूम कहता है कि ये सब बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा है। और तभी सूजन डॉक्टर डूम को दिखाती है मिस्टर फैंटास्टिक का चेहरा। तुरंत ही डॉक्टर डूम को याद आ जाता है कि वो मिस्टर फैंटास्टिक है। डॉक्टर डूम तुरंत ही उस बैटल ग्राउंड पर पहुंच जाता है। डॉक्टर डूम मिस्टर फैंटास्टिक से बातें करता है। रीड रिचर्ड्स उससे कहता है तुमने सच में कर दिखाया, आखिरकार तुम्हारा सपना साकार हो गया, तुम एक भगवान बन ही गए। डॉक्टर डूम कहता है कि मेरा जन्म इसी के लिए हुआ था, मैं भगवान बनने के ही लायक हूँ। थैनोस कहता है कि मैं नहीं मानता कि तुम एक भगवान हो, तुम एक झूठे हो। डॉक्टर डूम कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, और फिर वो अपनी पावर से सभी एवेंजर्स को एक चुटकी में हरा देता है। एक ही ब्लास्ट में सभी एवेंजर्स और थैनोस और सभी सुपर विलन्स नीचे गिर जाते हैं। साइक्लॉप्स अपनी फीनिक्स पावर्स का यूज़ करके डॉक्टर डूम पर हमला कर देता है, पर डॉक्टर डूम उसको आसानी से हरा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक का यूज़ करके सभी एवेंजर्स और सुपर विलन्स को वहाँ से गायब कर देता है। डॉक्टर डूम उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि अब क्या होने वाला था। तुम उन सबको कहते कि घुटने टेक दो और वो सब मना कर देते, तुम उन सभी को मार देते और मैं ऐसा होने नहीं देता। तो डॉक्टर डूम एक ही झटके में डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 में हम देखेंगे कि कैसे एवेंजर्स रीग्रुप होते हैं और डॉक्टर डूम को हराने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं
कैसे थैनोस और सुपर विलन्स भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे डॉक्टर डूम सभी लोगों को बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि डॉक्टर डूम का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन मर गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर हल्क स्मैश मार दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं एपिसोड 4 रिलीज़ करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल पर आने के लिए शुक्रिया। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा।